बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मनाल और आज मैं मनाल किचन में आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है कोकोनट चॉकलेट बार। कोकोनट चॉकलेट बार को आप कोई भी शेप में बना सकते हैं और ये हर तरह से बहुत मजे की लगती है। तो चलिए अब अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो कोकोनट चॉकलेट बार बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो हैं 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट, जिसको आप क्रश कोकोनट कहते हैं, 1/2 कप कंडेंस मिल्क, 1/3 कप ऑफ कोकोनट मिल्क। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क ना हो तो आप 1/4 नीम गर्म दूध भी ले सकते हैं और 250 ग्राम्स ऑफ कुकिंग मिल्क चॉकलेट। अब हम इसमें हमारा बाकी का क्रश कोकोनट डाल देंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अब हम इसकी बाज बनाएंगे। हमारी बार्स बन चुकी हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि आप इसको अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी शेप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे हार्ट शेप की बनाई है और अब हम इसको सेट होने के लिए रख कर आएंगे फ्रिज में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक हमारी कोकोनट बार सेट हो रही हैं तब तक हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। आप इसको डबल बॉयलर पर भी मेल्ट कर सकते हैं और माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। डबल बॉयलर पर चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लें। हमने बार्स को गर्म चॉकलेट में डिप नहीं करना। जब चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी हमने इसको तब में डिप करना है और फिर हम इसको बटर पेपर पे निकालेंगे। चॉकलेट की कोटिंग करने के बाद मैंने बार्स को आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और इनका टेस्ट बिल्कुल बाउंटी जैसा है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।